प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का शुक्रवार की रात को हुआ निधन। हीराबेन के चित्र पर सभी मातृशक्तियों ने पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए लेने वाले पति पत्नी सहित तीन अभियुक्तों सोनू चौहान, रेखा चौहान और चंदन चौहान उर्फ अमरदीप चौहान को ऊपर पिपराई थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एएसपी सीओ चोरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। अपराधियों पर नकेल कसने के क्रम में 2022 में आदतन अपराधियों के खिलाफ जिले की पुलिस ने की कठोर कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर 266 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त। एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, 2023 में भी लगातार चलता रहेगा ऐसा ही अभियान। इकतीस दिसंबर को प्रातः 8 बजे से 1 जनवरी की रात्रि 11 बजे तक रहेगा रूट डाइवर्जन। नव वर्ष के अवसर पर शहर में होने वाली भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक विभाग ने कसी कमर। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत वर्करों की सरकार लेती है उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी। संगठित क्षेत्र के वर्करों को रिटायरमेंट के बाद मिलती है जहां पेंशन, ईपीएफ, ईएसआई आदि की सुविधा। वहीं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वर्करों को मिलती है श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन व आयुष्मान भारत योजना के तहत होता है 5 लाख रुपए का सालाना इलाज। डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने दी जानकारी। माघ मेले के दौरान संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम चलाएगा प्रयागराज के लिए 380 मिला स्पेशल बसें। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद ने दी जानकारी। धर्म जागरण समन्वय द्वारा नारी शक्ति सम्मेलन का किया गया आयोजन। जनसंख्या असंतुलन, लव जिहाद, मतांतरण के प्रति किया गया जागरूक। कहा, सभी नारी शक्तियाँ अपने घरों में बढ़ाएं हिंदू संस्कार। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और गुरुवार की रात से ही पछुआ हवाओं ने बढ़ाया ठंड का सितम। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, आगामी 3 जनवरी तक शीतलहर के साथ घना कोहरा पड़ने की है संभावना।